नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत गजब है, बहुत ज़्यादा गजब है। आप कहोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और मैं बायस्ड हो जाता हूँ जब भी मैं SBI कॉन्ट्रा की बात करता हूँ। रीज़न, क्योंकि देखो, जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे आज भी याद है कि मैंने फर्स्ट क्लाइंट के पोर्टफोलियो में SBI कॉन्ट्रा डाला था, ठीक है। तो और आज, मतलब शायद मैंने लास्ट पोर्टफोलियो कल रात को बनाया होगा, तो उनके पोर्टफोलियो में भी मैंने SBI कॉन्ट्रा डाला था। आप ये मान के चलो, अभी तक हम 500 से ज़्यादा पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर चुके हैं, और मैं बोलूँ ना 70-80% ऐसे पोर्टफोलियो रहे होंगे जिनके अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड डाला है। और उस 80% में से भी आप ये मान के चलिए, अगर मैं उस 80% का 80% बात करूं, समझ गए ना, आप कंफ्यूज नहीं हुए, 80% का, यानी कि वो टोटल अगर 80 पोर्टफोलियो थे, तो उसमें से 70 या 60 पोर्टफोलियो ऐसे होंगे जिनके अंदर SBI कॉन्ट्रा होगा। क्या है ऐसे इस फंड के अंदर, क्या हमें लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, और सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम कॉल शेड्यूल करेंगे और आपको सब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं वीडियो के अंदर। ये नंबर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि या मतलब उनको नॉलेज गेन करने में टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा तो तब तक तो अच्छी बात है कि कोई अच्छे से वेल्थ जनरेट कर दे, और या दूसरी बात, टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास, कभी कभी टाइम होता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। बाकी आ जाओ यहाँ पे, एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं। देखो, वैल्यू ओरिएंटेड फंड, वैल्यू फंड कौन से होते हैं और कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं, ठीक है। ये डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जिन स्टॉक्स में होती है, जो करंटली यानी कि जो करंटली स्टॉक्स जो होते हैं डिस्काउंट पे चल रहे होते हैं। वैल्यू इक्विटी फंड फॉलो द इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल पॉपुलराइज बाय लेजेंड लाइक वॉरेन बफे, ठीक है। वॉरेन बफे की कहानी पे चला जाता है एक तरह से। और यहाँ पे दूसरा, कॉन्ट्रा आर इक्विटी फंड दैट बेट अगेंस्ट प्रिवलिंग मार्केट सेंटिमेंट्स एंड ट्रेंड, दिस आइडियाज टू कैपिटलाइज ऑन डिसोर्टेड वैल्यूज बाय स्टॉक एट अ कॉस्ट लोअर देन देयर फंडामेंटल वैल्यू। इन दी एंड ना, बात सेम पड़ती है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ना इन दोनों से बेटर क्या पड़ता है, तो बेटर कॉन्ट्रा पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कॉन्ट्रा में ना चलाना आसान नहीं होता, कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाके स्टॉक्स निकालना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। तो इस बड़ी बात को पूरा करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रा फंड नहीं हैं, तीन हैं, एक इन्वेस्टको का है मेरे ख्याल से, SBI कॉन्ट्रा है, और एक तीसरा हो गया आपका कोटेक का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी हम सिर्फ और सिर्फ SBI के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू फंड भी लगभग सेम होते हैं, तो बंधन को मैंने लिया है, ICICI प्रोडेंशियल डिस्कवरी फंड लिया है, टाटा इक्विटी लिया है। हर फंड की एक एक क्वालिटी बताऊंगा, तो आपको एक फंड SBI कॉन्ट्रा का नहीं, बाकी के रिव्यू भी मिल जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले नंबर पे इसका रिव्यू मैं डिटेल में करूंगा, तो इसको साइड रखते हैं। वैल्यू फंड बहुत अच्छा फंड है, ठीक है, ये इसने भी रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, और लास्ट क्वार्टर में भी देखोगे तो इसके सबसे ज़्यादा रिटर्न्स है, ठीक है, बहुत तगड़े रिटर्न्स हैं। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 28%, कोई कम रिटर्न्स नहीं होते, कई मिड कैप और कई स्मॉल कैप्स को बीट कर लेते हैं ये, लार्ज कैप रखने के बावजूद, ठीक है। तो आप वो चीज़ समझ सकते हैं। अब एक चीज़ का देखो, यहाँ पे ध्यान रखो, दो जो मैंने आपको बढ़िया बताए उनमें एक प्रॉब्लम है कि फंड साइज़ ना इतना बड़ा हो गया है, तो अगर हम फंड साइज़ छोटा ढूंढेंगे तो टाटा इक्विटी PE और बंधन स्टर्लिंग वैल्यू बहुत अच्छे ऑप्शन हैं लॉन्ग टर्म में। इन्होंने भी रिटर्न्स जनरेट किए हैं, लास्ट ईयर भी किए हैं और लास्ट क्वार्टर में भी किए हैं। लेकिन अब वापस आ जाते हैं हमारे चैंपियन खिलाड़ी पे, जिसने लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करे हैं, 3 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करे हैं, लास्ट 1 ईयर में टाटा PE से थोड़ा सा पीछे रह गया, ठीक है, और लास्ट 6 मंथ में टाटा PE से थोड़ा सा पीछे है, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे ICICI वैल्यू और डिस्कवरी। लेकिन जो ये मैं पीछे बोल रहा हूँ ना, इनकी वैल्यू नहीं है, एक आधा परसेंट, अगर मैं कह रहा हूँ आप भगवान हैं अगर आपको ये चीज़ पता लग जाए कि कौन सा टॉप पे रहने वाला है। लेकिन हाँ, आप इंसान बन के कितना कर सकते हैं, भगवान वाली बात तो हो गई ना, कि हम टॉप पे रहेंगे तभी हम भगवान हैं, ठीक है। लेकिन इंसान वाली बात ये है कि आप कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाओगे, जो कि बहुत से लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वही बात है ना, प्रॉब्लम आ जाती है कि टाइम नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर सीखने में ही लगा रहता है 10 साल 15 साल 5 साल, क्योंकि मुझे भी पता है सीखने में टाइम लगता है, चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो चलो छोड़ो, वापस आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर मैं बात करूँ, तो देखो एक चीज़ जहाँ गेम पलट गया, अब ये फंड मुझे अच्छा लग रहा था, ठीक है, ये टाटा का PE मुझे फंड अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखो, इन दोनों से बेटर है। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि गिरती मार्केट में कम गिरेगा। लेकिन आपको एक सच बताऊं, तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, कोई वेबसाइट नहीं बता सकती,
कोई आपको किताब नहीं बता सकती, कोई रिसर्च वर्क नहीं बताने वाला आपको कि SBI कॉन्ट्रा के रेशोस इतने अच्छे हैं, ठीक है, बीटा इतना बढ़िया है, आप कंपेयर कर लो, शार्पे अच्छा है, सोटिनो अच्छा है, अल्फा अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है कि जब मार्केट गिरती है ना तो ये बाकियों से ज़्यादा गिरता है अपनी कैटेगरी में, ये प्रॉब्लम इसके अंदर रहती है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, तो इस चीज़ को ध्यान से रखो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो का कभी भी 20% से ज़्यादा मत दो किसी को भी, क्योंकि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम आपके पोर्टफोलियो में इतनी बड़ी ना हो जाए कि आप पोर्टफोलियो संभाल ना पाओ, समझ गए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे सेक्टर्स की बात करें तो सबने सेम सेक्टर ले रखे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, सबके देख लो सेम है, टॉप 2 सेक्टर। जो तीसरा सेक्टर सबका अलग है, इसका हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, और हमें हेल्थ केयर में सही रहता है। हेल्थ केयर सेक्टर मैं जिस सेक्टर पे बुलिश हूँ तो वो बढ़िया है, वो हमें SBI कॉन्ट्रा के थ्रू मिल भी जाता है, ठीक है। डेट में पैसा डाला हुआ है, अच्छी बात है, सिक्योर रखते हैं अपना थोड़ा सा पैसा। इक्विटी में 90% है तो 11% कैश भी रखा हुआ है, अब इसको भी अगर मैं मिला दूँ तो बोल रहा हूँ, नहीं तो 5-6% कैश रखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद टर्नओवर रेशो सबसे कम है, जो कि अच्छी बात है, रिटर्न्स कंसिस्टेंट रहेंगे। कितनी सारी अच्छी बातें बता दी ना, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ बताने वाला है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। अब एक चीज़ है, यहाँ पे आप देखो, इस चीज़ को ध्यान दे लो, ये भी सबसे बढ़िया है, इसका एक्सपेंस रेशो भी सबसे अच्छा है, तो बढ़िया है ना। मतलब टॉपिंग्स पे टॉपिंग्स मिलती जाती हैं ऑटोमेटिकली, जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपेंस रेशो को तो देखो ही मत, NAV मत देखो, एक्सपेंस रेशो मत देखो, ठीक है। तो अब बाकी अगर देखो अपनी कैटेगरी एवरेज से, कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार, बहुत आराम से ये चल रहा है। ये फंड ऐसा है कि लेके भूल जाओ, जो वो लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे एक फंड बता दो जो 7 साल लेके 8 साल लेके भूल जाए, ले जाओ, भूल जाओ इसको, एक फंड तो बता दिया ना, बाकी फंड ढूंढ लेंगे यार, बाकी मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से आपको फंड मिल जाएंगे। कैटेगरी एवरेज 39 लाख पे खड़ा होता है, और इसका कैटेगरी एवरेज कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, 3 फंड होते हैं उनका कैटेगरी एवरेज क्या निकालूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपेयर करने का फायदा नहीं है, लेकिन 40 लाख फिर भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स में 23%, 95 स्टॉक्स हैं इसके पास, 53% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 17% स्मॉल कैप में पैसा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनका टर्नओवर रेशो इतना ज़्यादा हाई है नहीं कि कंप्लीटली ये किसी को सेल या बाय करें, तो HDFC बैंक, डाबर इंडिया, टेक महिंद्रा, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी, सिपलाइन में इन्होंने बाइंग करी है लास्ट मंथ, और सेलिंग करी है ग्रीनवेल, हिंडालको, इक्विटास, एक्सिस, इंडस टावर में, लेकिन कोई भी कंप्लीटली पोर्टफोलियो से बाहर नहीं लिया, कोई भी कंप्लीटली नया पोर्टफोलियो के अंदर नहीं लिया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।